नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जनसंख्या की बात आती है तो हमें ध्यान में आता है कि पूरे विश्व में वास्तव में इस समय जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन घट रहे हैं। एक तरफ जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, दूसरी तरफ मूलभूत जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की लगातार कमी हो रही है, और फिर भी इन परिस्थितियों में यदि जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात की जाती है तो देश में अनेक लोगों के माध्यम से बवाल उत्पन्न होता है, अनेक लोगों के माध्यम से विरोध के स्वर सुनाई देते हैं, और इन्हीं तमाम परिस्थितियों में अनेक सामाजिक संगठन इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, इस जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल कुमार जी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे, जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है और कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत भीषण आपदा के रूप में ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, विस्फोट जैसे शब्दों का भी लोग उपयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इस जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से हमारे को एक अवसर मिला है कि हमारे पास कामकाजी लोगों की संख्या बढ़ रही है, काम करने वाले हाथ बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जनसंख्या वृद्धि आपदा है अथवा अवसर? जो आपने पहले बात कही कि आपदा है, आपने कुछ शब्द कहे कि जनसंख्या को हम विस्फोट के रूप में ले रहे हैं, तो उसका कारण है उसके पीछे। आज विश्व का 2.4% भूभाग भारत के पास है, केवल लगभग 4% पानी हमारे पास है, लेकिन विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% भार हम लोग वहन कर रहे हैं। अब 2.4% भूभाग और 18% आबादी का भार हम ढोएंगे तो हमारे लिए ये एक विस्फोट है। एक दूसरी बात, विश्व की गरीबी, भुखमरी, कुपोषण आदि से जो मृत्यु दर है भारत में, उसमें हम नंबर एक हैं विश्व में। यही हालात अगर रहे तो भविष्य में इतनी बड़ी आबादी के लिए चिकित्सा व्यवस्था हो, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था हो, खाद्यान्न की व्यवस्था हो, रोजगार का की व्यवस्था हो, इस सब के कारण से हम ये आज महसूस करते हैं कि आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो देश में गृह युद्ध के हालात होंगे। और इस सब के कारण अगर हम इसे एक अवसर कहें तो अवसर तो वहां तक ठीक था जब हम ये कहें कि हाँ साहब, हमारे पास बहुत रोजगार हैं, बहुत सारे हाथ हैं, इनसे बहुत रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ तो आपके पास संसाधन सीमित हैं, उसके मुकाबले में आबादी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी अवसर नहीं है। भारत जैसे देश में ये एक अभिशाप है। तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो बिल्कुल भी जनसंख्या वृद्धि अवसर नहीं है अपितु आपदा है, अभिशाप है, और इस आपदा से किस प्रकार से बचा जाए इसको लेकर भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन काफ़ी समय से काम कर रहा है। आपके माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करने की दिशा में किस प्रकार से काम कर रहे हैं? जी देखिए, जनसंख्या नियंत्रित हो ये समाज की जिम्मेदारी पहले थी जी, लेकिन भारत सरकार ने, विश्व में पहला देश था भारत जिसने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया। लेकिन इसमें विडंबना देखिए कि विश्व में प्रथम देश होने के बावजूद भी हम आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं, और कुछ आंकड़े कहते हैं कि हम चीन को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। तो अगर ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि आबादी किस प्रकार से हमारे लिए अभिशाप बन रही है। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन किस प्रकार से काम जी कर रहा जहां है? तक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बात है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन केवल और केवल जनसंख्या विषय पर काम कर रहा है, और उसका मानना है कि अब इस विषय को लोगों की राय के ऊपर, लोगों के विवेक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन्हें लोगों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता, और जनसंख्या वृद्धि का विषय भी उसमें से एक है। हमारी स्पष्ट रूप से सरकार से मांग है कि आप देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आइए, और जो वह कानून देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और वह कानून किस प्रकार से हो, अधिकतम 2 बच्चे कानून हो, अर्थात
जितने भी नागरिक हैं, जो भी शादीशुदा जोड़े हैं, वो दो से अधिक बच्चे पैदा ना करें, अधिकतम दो बच्चे पैदा करें, ऐसा ध्यान रखने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सरकार से मांग कर रहा है पिछले 6 वर्षों से। जी, तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बात कह रहा है, 2 child policy for all, इसमें मत पंथ संप्रदाय इनका कोई विषय नहीं है, ये कानून सबके लिए समान रूप से हो, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इस समय जिस प्रकार से विकराल स्थिति इस चीज की हो गई है, इस विषय की हम कह सकते हैं कि वास्तव में आपदा ये हो गई है भारत के लिए, और पेयजल भी सीमित है, खाद्यान्न की भी समस्या है, और कहीं ना कहीं इस विषय को यदि और गहराई तक हम लेकर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि आए दिन जो मीडिया में हम लोग चीज़ें देखते हैं, जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, मिलावटी खाद्यान्नों की जो चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं एक इसके मूल में जाएंगे तो ध्यान में आ सकता है कि जिस तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए हमारे यहाँ हरित क्रांति भी लाई गई, श्वेत क्रांति भी लाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी यदि मांग अत्यधिक है और उसकी पूर्ति साधारण रूप से नहीं हो पाती है तो उसके कारण भी बहुत सारे दुष्प्रभाव इस देश के नागरिकों को झेलने पड़ रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 2 child policy for all की बात कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे ये भी चर्चा करना चाहेंगे अनिल जी कि जिस प्रकार से चीन ने कुछ प्रयास किए जनसंख्या को नियंत्रित करने के, और वहाँ तो 1 child policy ही लागू की गई थी, लेकिन जब उसका लगातार विश्लेषकों ने अध्ययन किया, जो रिपोर्ट्स आई, ये कहा जा रहा है कि लंबे समय तक यदि उस पॉलिसी पर चलते हैं तो देश में बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, काम करने वाले लोग कम हो जाते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं कि पारिवारिक ढांचा उसके भी तहस नहस होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 4 पीढ़ी बाद में बच्चे ताऊ, बुआ, मामा, मौसी, फूफा, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो शब्द ही भूल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, लाभ है अथवा नुकसान है? जी देखिए, एक शादीशुदा या शादी के योग्य व्यक्ति है, वर है, उसकी शादी करने की बात आती है, कहा जाए कि इस व्यक्ति की शादी करें, ये आवश्यक उम्र है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब वहाँ उस समय हम ये चर्चा करें कि ये शादी करेगा तो इसके बच्चे होंगे, कल को उसके लिए वस्त्र खरीदने पड़ेंगे, इन्हें बहुत सारी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उस बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, उसके और आगे जो बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, उनके साथ क्या होगा, ऐसा समझ के हम मूल विषय, मूल समस्या का समाधान ना खोजें, वह उचित नहीं। आज चीन की जहां तक हम बात करते हैं, चीन ने अपनी जनसंख्या को कानून बनाकर नियंत्रित किया, वो एक बच्चे कानून लेके आए, 1 child policy लागू की, और आज चीन अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करता है। आज चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि हम 33 बच्चे प्रति मिनट पैदा कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि भविष्य में क्या दिक्कत आएगी, तो वो तो आपके हाथ की बात है। आज अगर आप दो बच्चे, और हम तो एक बच्चे नीति की बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं दो बच्चे नीति की, अधिकतम दो बच्चों की, एक पति एक पत्नी, दो लोगों के दो बच्चे हो जाएं तो ये प्राकृतिक रूप से भी ठीक है। वहां जो था वो प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन देश के लिए आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने 1 child policy को रखा, 40 वर्षों बाद उसे रिवाइव किया, और उन्होंने अपने नियमों में ढील दी कि आप कुछ शर्तों के साथ दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये कहना कि साहब ये कानून के बारे में मत सोचिए, आबादी नियंत्रित हो गई तो उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, तो दिक्कत भविष्य में 40 वर्ष बाद जो आएगी उसके रास्ते आपके पास हैं। भारत जैसे देश में अभी ये समस्या के आगे जो भविष्य में 50-40 वर्ष बाद आने वाली है उसके कारण से अब नियंत्रण ना करें तो ये बेमानी बात हो जाएगी। तो असल में अनिल जी का ये कहना है कि इस समय जो तात्कालिक समय में हमारे सामने जो समस्या है उस समस्या का निराकरण इस समय आवश्यक है, और उसके लिए आवश्यक है कि कुछ कठोर कानून सरकार की ओर से बनाया जाए जिसके माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अनिल जी, आपसे चर्चा ये भी करेंगे कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ और लगभग 7 दशक उसको बीते हैं, इन 7 दशकों में देश की जनसंख्या 4 गुना से अधिक हो गई, जबकि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अनेक अभियान भी चलाए, अनेक प्रकार के उपक्रम भी चलाए गए, उसके बावजूद भी जनसंख्या इस तेज गति से बढ़ी कि 4 गुना से अधिक संख्या हो गई है। क्या कारण मानते हैं, किस कारण से इतनी जनसंख्या बढ़ी? देखिए, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे इसका जो पहला कारण है वह यह है कि हम लोगों तक, यानी लोगों तक सरकार की ओर से यह बात कह ही नहीं पाए कि आप अपने परिवार को नियंत्रित करेंगे तो आप राष्ट्रहित का विषय है ये, और आप राष्ट्रहित साधेंगे, आप राष्ट्रभक्त बनेंगे, ऐसी सोच हमने लोगों के अंदर नहीं डाली। आज भारत के प्रधानमंत्री पहली बार
लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को 2019 में कहते हैं कि जो लोग जनसंख्या को नियंत्रित रख रहे हैं, जो संसाधनों के ध्यान रखते हुए अपनी परिवार को सीमित रख रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं। ये शब्द जो 2019 में कहा गया है, मैं समझता हूँ ये 1948 में कहा जाना चाहिए था, 1949 में कहा जाना चाहिए, 1950 में कहा जाना चाहिए था, नहीं कहा गया, कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अब इस समय केवल बातचीत से बात नहीं हल होगी, एक कठोर कानून की आवश्यकता है। तो कठोर कानून की आवश्यकता, लेकिन अनिल जी जिस प्रकार से हम बात करते हैं, बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि जनसंख्या वृद्धि जिस तेज गति से हुई है उसके मूल में एक कारण अशिक्षा भी रहा है, और आज़ादी के समय देश में शिक्षा की दर जो थी, साक्षरता का प्रतिशत जो था वो बहुत कम था, कालांतर में साक्षरता का प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन दूसरे विचार के लोगों का ये भी कहना है कि केवल अशिक्षा नहीं है अभी तो कुछ धार्मिक मान्यताएं भी इसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने में बाधक बनी हुई हैं। कुछ लोगों के मत पंथ संप्रदाय के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रित करना वो ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे, अशिक्षा बड़ा कारण है या धार्मिक मान्यताएँ बड़ा कारण है? देखिए, एक लाइन में कहने की बजाय मैं दोनों विषयों पर प्रकाश डालता हूँ। जी, अशिक्षा एक कारण था, धीरे धीरे देश में शिक्षा का प्रसार होना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं हम जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कुल प्रजनन दर है, उसमें कमी आई है जी। इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन जिस गति से जनसंख्या आज 137 करोड़ पे हम पहुंच गए हैं, केवल शिक्षा के प्रसार से अब उसे नियंत्रित कर पाएं, या ऐसा इंतजार करें, हम प्रतीक्षा करें अगले 50 वर्ष की, हम सबको शिक्षित बना पाएंगे तब इसे नियंत्रित करेंगे, तो यह बात बेमानी है, ठीक नहीं है। इसलिए शिक्षा के प्रसार करें, लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं, खूब चलाएं, लेकिन उसके साथ साथ अब इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, सभी नागरिकों पर लागू करें, एक बात जी। रही बात आपकी दूसरी कि धर्म मत पंथ संप्रदाय की, जहां तक बात है, यह बात सत्य है कि हम देश भर में जब जाते हैं, पिछले 2013 में हम लोगों ने, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन का प्रारंभ किया जी। देश भर के 350 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 11 जुलाई 2019 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमने 348 जिलों में धरना दिया सभी जिला मुख्यालयों पर, और प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जी। हम देश भर में घूमते हैं, पिछले 6-7 वर्षों से हम लोग कोशिश करते हैं कि देश भर में हमारा भ्रमण रहे, प्रवास रहे, पूरी टीम लगभग 48-50 हजार लोग जी। हमारे देश भर में भ्रमण प्रवास पर होते हैं, गांव गांव जाते हैं, 6,38,000 गांव हैं, लगभग 90,000 गांव हमारी टीम जा चुकी है, लोगों के बीच जाते हैं। और आपने जो प्रश्न किया, यह प्रश्न हमारे सामने आता है, मेरे स्वयं के सामने भी आया है। वहां कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ साहब, आप हमें कहने आए हैं, ये मध्य प्रदेश में हुआ हमारे साथ जी। जब हम वहां गए तो एक बद्धू खड़े हुए, और ऐसा 50 जगह हुआ है, वो कहते हैं आप हमें समझा रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, देश में कानून बनना चाहिए, लेकिन साहब हम तो जनसंख्या बढ़ा ही नहीं रहे, हमारी नई पीढ़ी अब 2 बच्चे से अधिक पर नहीं है, बल्कि यहां तक कि हम तो अब 1 बच्चा नीति की ओर चल पड़े, उसके बावजूद भी आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, आप वहां यह बात कीजिए जहां 4-6-8 बच्चे पैदा हो जी। हम एक ही बात इस मामले में वहां भी कहते हैं, और यह बात मैं यहां भी आपसे कहता हूं जी। इस कारण से जनसंख्या बढ़ी या उस कारण से बढ़ी, एक्स जनसंख्या को बढ़ा रहा है या वाई बढ़ा रहा है, ए बढ़ा रहा है या बी बढ़ा रहा है, अब इस विषय में आपस में सिर फुटवल करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ाए जो भी, लेकिन अगर नियंत्रण कानून लेकर आए, सभी पे समान रूप से लागू करें, तो ये अधिक उपयुक्त तो होगा। और जो आपका प्रश्न था कि इसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन होगा, इसका विरोध होगा, इसका विरोध होता है, तो यह विरोध सरासर गलत है। इसका विरोध उन्हीं लोगों के बीच से, हमारी जो भी सोसाइटी है, देश का समाज है, उस समाज में से जिन समाजों के बीच से ऐसी कोई बात उठती है, उन समाजों के प्रबुद्ध शिक्षित लोगों को सामने आकर कहना चाहिए कि आपकी समस्याओं के मूल में बढ़ती आबादी है, आप इसे नियंत्रित कीजिए, और कोई नेता या कोई और दूसरे लोग, धार्मिक उनके धर्मगुरु चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अगर इस विषय में भड़काते हैं तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप जाहिल बने रहें, आप गंवार बने रहें, आप अशिक्षित रहें, आप पिछड़े हुए रहें, उनकी दाल रोटी ठीक से चलती रहे, उनकी रोटियां सिकती रहें, आप उसके भुलावे में मत आइए। मैं देश के सभी 137 करोड़ नागरिकों से, हम लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन आग्रह करता है, इस विषय से ऊपर उठिए, सरकार कानून लेके आए, सरकार तुरंत अविलंब कानून लेके आए, और भारत विश्व में
विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो, यह तभी होगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो भारत विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी, ऐसा कहना है अनिल जी का, क्योंकि इस समय जितनी समस्याएं देश के सामने लगती हैं उनके मूल में इनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि यदि इसी प्रकार से बढ़ती रही तो वास्तव में रोजगार का भी संकट हो सकता है, ये भी इनकी चिंता है। और इस चिंता का यदि निराकरण करना है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सबके लिए एक समान कानून की तरफ जाना पड़ेगा। और जनसंख्या वृद्धि की जब हम बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, तो ध्यान में आता है कि ऐसा कहा जाता है कि पहली जनगणना विश्व में 1749 में हुई स्वीडन में, और भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो सन 1800 में जो पूरे विश्व की जनसंख्या की बात की जाती है तो आंकड़े सामने आते हैं कि उस समय पूरे विश्व की आबादी 100 करोड़ थी, 1 अरब की आबादी थी, किंतु लगभग 200 वर्षों के बाद में आज की तारीख में हम देखते हैं तो 7 अरब से अधिक जनसंख्या पूरे विश्व की हो गई है। अनिल जी, जिस प्रकार से देखते हैं लगभग 220 वर्षों में और पूरे विश्व की जनसंख्या 7 गुना से अधिक हो गई, ये भूमि जो है, ये पृथ्वी जो है, इतना भार वहन कर रही है, क्या समस्या केवल भारत की है अथवा वैश्विक स्तर पर इसके निराकरण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, क्या लगता है? देखिए, विश्व की समस्या है, यह बात सही है, लेकिन जहाँ तक भारत के परिप्रेक्ष्य की बात है, भारत में यह भीषण समस्या है बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या। क्योंकि जहाँ तक विश्व की बात है तो कई सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ आबादी दर, आबादी की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर कम है। आप देखिए कनाडा जैसा देश जो लगभग 4 गुना है आबादी में हमसे, और वहाँ 4.25 करोड़ की आबादी है, यानी 4 गुना बड़ा देश और केवल 4.25 करोड़ आबादी, उसका चौथाई देश और 137 करोड़ की आबादी। तो ये जो असमानता है ये खतरनाक है। एक दूसरी बात, यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है, बल्कि उनकी समस्या है जनसंख्या में घटोतरी। वहां जो घटत हो रही है, जो वृद्धि दर काफी नीचे जा रही है, नकारात्मक जा रही है, उससे उनको आगे देश को चलाना मुश्किल होगा। प्राकृतिक रूप से वो कुल संख्या में नीचे जा रहे हैं, ये उनकी समस्या है। तो विश्व में जहाँ एक और पूरी धरती माता के साथ दिक्कत है, वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में ये और गंभीर बात है। तो हमें भारत के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। फिर भी यूएन रिजोल्यूशन कोई पास हो और सभी देशों पे ये कहा जाए कि आप जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए, कानून बनाइए और इसे नियंत्रित कीजिए, ये होना चाहिए। तो असल में समस्या तो पूरे विश्व की है, लेकिन उस पूरे विश्व में भी यदि हम ये देखें, जिस प्रकार से यदि शरीर में बीमारी होती है तो बीमारी किस अंग में है उस अंग का उपचार करना पहले आवश्यक होता है, ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व के परिदृश्य में भी यदि हम बात करते हैं तो वास्तव में जनसंख्या तो बहुत तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन वो जनसंख्या किस स्थान पर बढ़ रही है ये देखते हैं तो ध्यान में आता है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना बड़ा भूभाग भारत और चीन में रह रहा है, क्योंकि चीन भी लगभग कहा जा रहा है कि 140 करोड़ के आसपास की आबादी है और भारत भी लगभग उसके आसपास है। तो पूरे विश्व की जो आबादी है उसका लगभग 30% के आसपास जनसंख्या भारत और चीन में रहती है। और जब बात होती है मूलभूत संसाधनों की तो भी ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगामी विश्व युद्ध पेय जल के लिए हो सकता है, तो इस प्रकार की चीज़ों से यदि विश्व को बचाना है और मानव का जीवन सुखद बनाए रखना है तो उसके लिए इन तमाम विषयों पर चर्चा करना वास्तव में बहुत आवश्यक हो गया है। अनिल जी, चर्चा करना चाहेंगे जिस प्रकार से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बारे में, आपने कुछ सतही तौर पर जानकारी दी, किस समय इस संगठन की स्थापना हुई, क्या लक्ष्य और उद्देश्य लेकर स्थापना हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि आज की आपाधापी के दौर में और अनेक विषय ऐसे हैं जिन पर सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे विषय, और ये जनसंख्या नियंत्रण वाला विषय यदि हम देखते हैं तो कहा जाता है कि एकदम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाला विषय इसको कई लोग कहते हैं। आपातकाल जब देश में लगा उस समय भी कुछ प्रयास इस प्रकार के आबादी को नियंत्रित करने के कहा जाता है कि कुछ उस समय भी प्रयोग किए गए थे। आज के दौर में भी जैसे ही कोई व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है तो अनेक लोग तुरंत विरोध स्वरूप सड़कों पर आते हैं। फिर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का गठन किस प्रकार से हुआ, कैसे प्रेरणा मिली, किस प्रकार से काम कर रहे हैं? देखिए, 2013 की बात है, मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। 2011 30 सितंबर को जी समाज में जैसा कि होता है कि एक फौजी जब लौट के आता है तो उसका मन होता है कि भाई वो समाज के बारे में भी, जो अनुशासित रहते हुए समाज के बारे में सोचे, उसमें काम करे। 2013 की बात है, मैं मेट्रो से गाजियाबाद की ओर जा रहा था और वहाँ देखा इतनी भारी भीड़,
लोगों ने अपने आप ट्रेन में चढ़ा दिया मेट्रो में और अपने आप से स्टेशन पे उतार दिया, अपने पैरों की आवश्यकता नहीं रही उपयोग की, भीड़ ने चढ़ा दिया उतार दिया। लगातार देखा कि जो दूरी कनॉट प्लेस से और गाजियाबाद पहुंचने में मुश्किल से 35 से 40 मिनट में तय होनी चाहिए, प्रतिदिन वो 2 घंटे लग रहे थे, 2.5 घंटे लग रहे थे, 3-3 घंटे लगते थे। देखा ये तो बहुत बुरी, बहुत बड़ी समस्या है जी। लोगों से बातचीत हुई, कुछ लोगों से बातचीत हुई तो निकल के आया कि भी ये जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये समस्या केवल दिल्ली या गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश या कुछ राज्यों तक या जिलों तक सीमित नहीं होगी, ये पूरे भारत की समस्या है। इस पर एक काम शुरू हुआ, हम लोग 6 माह लगातार गांव जाकर पूरा लैपटॉप और पूरे कंप्यूटर सारे सिस्टम लेके डेटा कलेक्शन किया, पूरा सर्वेक्षण किया और तब ये समझ में आया कि देश में आबादी जो बेतहाशा रूप से बढ़ रही है उसके लिए आवश्यक है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आया जाए। स्थापना हुई 10 समाधान नाम से और हमने वो कोई रजिस्टर्ड संस्था के रूप में भी नहीं, ऐसे ही काम शुरू किया और गाजियाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें 4 से 5 हजार लोग उसमें आए। हमने कलेक्ट्रेट जो वहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, लोगों से बातचीत की और नाम हुआ जनसंख्या समाधान और वो रजिस्टर्ड भी नहीं, ऐसे ही काम करना शुरू किया और हम देश के 4-5 राज्यों में काम करने लग पड़े। 2015-16 आते आते नाम हुआ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, लोगों ने कहा भाई इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, हम लोग लग पड़े। लेकिन बात रजिस्ट्रेशन की नहीं थी, बात किसी चीज की नहीं थी, बात थी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। हम में से लगभग 800-900 लोग ऐसे तैयार हुए कि देश भर में भ्रमण करेंगे। आज 50 लोगों की टीम पूर्ण रूप से देश में भभ्रमण करती है, प्रवास करती है जी। 1000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन और वैसे जो 40 से 50 हजार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने जिले में कार्य कर रहे हैं। केवल एक ही मांग, केवल एक ही काम, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं देश में, लोग उन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, हम लोगों ने इस विषय में किसी भी और विषय पर ध्यान नहीं देते। देश में क्या हो रहा है उससे सारोकार तो है, लेकिन हमारा काम यह है कि देश में कानून बने। उसके लिए हमने क्या किया, 16 दिसंबर 2016 को देश के 224 जिलों में, 710 जिलों में से 224 जिलों में भारत सरकार के नाम, प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन किए और देश भर में कार्यक्रम हुए। 2017 में कई सारे बड़े कार्यक्रम हुए, 2018 में जब हमने जंतर मंतर संसद मार्ग पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें 20,000 से ऊपर लोग मौजूद थे, 15 जुलाई उससे पहले 44 दिवसीय पैदल प्रवास पूरे NCR में दिल्ली में पैदल प्रवास किया, पूरी टीम लगी जिसमें मातृशक्ति भी थी, बाकी लोग भी थे, उन्होंने प्रवास किया एक्सटेंसिवली 44 दिन और आसपास से NCR से राज्य के और दूसरे देश के अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचे, 20,000 लोग जंतर मंतर वहां संसद मार्ग पर, और उसके बाद में वो संसद की ओर कूच किया जी। बाद में चीजें व्यवस्थित हुई और 9 अगस्त 2018 को भारत के राष्ट्रपति जी ने इस विषय पर हमें बुलवाया और लगभग 55 मिनट इस विषय पर चर्चा हुई जी। देश के 2-4 सांसद उस विषय में लगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़े, माननीय इंद्रेश कुमार जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने इस विषय पे कहा कि हाँ आप लोग ठीक काम कर रहे हैं, हम सब जुड़ते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। कई सारी बड़ी रैलियां जिसमें 50-50 हजार लोग, अमरोहा जिला, अमरोहा उत्तर प्रदेश में लगभग 50 हजार लोगों की एक रैली आयोजित हुई, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उसमें गए। उसके बाद में चाहे वो बागपत हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो दिल्ली जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली में संसद एक जनसंसद का आयोजन हो, चाहे वो ग्वालियर में कार्यक्रम हो, चाहे वो भोपाल में कार्यक्रम हो, चाहे वो बिहार के बिहार में 35 दिवसीय प्रवास होकर लोग गए, टीम गई, उन्होंने वहाँ कार्य किया, हरियाणा प्रवास हो, चाहे उत्तर प्रदेश प्रवास हो, चाहे और दूसरे राज्यों में जाना हो, टीमों ने काम किया और उसके परिणाम स्वरूप 125 सांसदों ने न केवल समर्थन दिया अपितु अपनी संबद्धता जताई जी। और 13 जुलाई 2019 को एक टीवी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूं और मैं इस टीम के साथ हूं, मैं इस विषय पर लगातार देश भर में जाने को तैयार। इसमें आपसे एक चर्चा और करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने बताया मैं आने वाला था उसी विषय पर, आपने जिस प्रकार से कहा कि 125 से अधिक सांसदों ने भी आपका समर्थन किया है इस विषय को लेकर, 125 सांसदों में क्या अधिकतर सांसद एक ही दल के हैं या विभिन्न राजनीतिक दलों का आपको समर्थन मिल रहा है?
देखिए, अब ये आपका जो प्रश्न है सीधे सीधे किसी की पोल खोल दे वो तो मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने सभी लोकसभा सांसदों को और सभी राज्यसभा सांसदों को पिछले 4-5 वर्षों में अप्रोच किया है जी। हम उनसे मिले हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से मिले हैं। अनौपचारिक वार्ता में अधिकांश राजनीतिक दलों के मुखिया और उनके सांसद, उनके यहाँ तक के विधायक, 4,120 विधायक हैं 2017 में राजस्थान सहित, लगभग 2700 विधायकों से हमारी टीम मिली। 2700 विधायक, जिसमें राजस्थान में जयपुर के अंदर पूरी टीम, जिसमें कि अब मैं क्या कहूं कि यहां आसपास बैठे हुए लोगों में से भी वहां लोग रहे उस टीम में, और जयपुर में बड़ी संख्या में विधायकों से मिला गया, बाकी राज्यों में भी कार्य हुआ, और 2700 विधायकों से मिलना रहा, सारी चीजें रही। उनके मुखिया, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता ये कहते हैं कि वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और वो नियंत्रण बिना कानून के अब संभव नहीं है। हम इस पे आपके साथ हैं, लेकिन जब बात सामने आने की होती है तो उन्हें लगता है कि शायद ये राजनीतिक रूप से उनके अनुकूल नहीं है, तो कई बार वो पीछे हट जाते हैं। फिर भी इन 125 सांसदों में शिवसेना के सांसद थे, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उसमें टीडीपी के जयदेव गल्ला थे, बीजू जनता दल के कुछ सांसद थे, लेकिन हाँ अधिकांश सांसद उस समय की जो सत्तारूढ़ दल था उसी के सांसद थे, ये बात सच। तो अधिकांश राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, उनके जनप्रतिनिधियों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मिल रहा है, और केवल मिल ही नहीं रहा है, जिस प्रकार से अनिल जी बता रहे हैं कि उनका सहयोग और समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। कहा जा सकता है कि पूरे देश में ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार की जो अलग जगह रखी है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने, हो सकता है आने वाले दिनों में वो रंग दिखाए, और इस बात से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री भी लाल किले से इस विषय को इस प्रकार से रखते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करना भी एक प्रकार से देशभक्ति का ही कार्य है, तो भी हम संकेत रूप में समझ सकते हैं कि वास्तव में यह विषय कितना गंभीर है, कितना आवश्यक है। कार्यक्रम अंतिम चरण में है, आपसे जानना ये चाहेंगे कि पिछले 70 वर्षों में जिस प्रकार से सरकारों ने, जो भी सरकारें रही, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर ये काम किए, और अब चूंकि सामाजिक स्तर पर यह विषय आ गया है, तो क्या लगता है सरकारी स्तर पर जो प्रयास हुए उनमें किस प्रकार की कमी रह गई कि आज समाज को आगे आकर और इस विषय को उठाना पड़ रहा है, और सरकारी जो प्रयास हुए उनको किस प्रकार से और अच्छे से ठीक से किया जा सकता है? देखिए, ईमानदारी की कमी रही सबसे पहले। अगर ईमानदारी रही होती जी, तो अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा था तो कानून बनाना चाहिए था इसे नियंत्रित करने के लिए। जी। एक बार एक कार्यक्रम नसबंदी जैसा चला, लेकिन वो न तो समान रूप से लागू हुआ, न वो बल्कि जबरन हुआ, उसमें कानून जैसा नहीं बना। जबरन किसी बुजुर्ग को, किसी युवा बच्चे को उठा के आपने उसकी नसबंदी कर दी, ये व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप कानून बनाइए, कानून बनाने के बाद उसे समान रूप से लागू कीजिए। केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसे आप देश की एक बहुत बड़ी समस्या को मत छोड़िए। तो इस समस्या को नहीं छोड़ा जा सकता है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और वास्तव में समस्या गंभीर है तो सरकार को भी सचेत होना पड़ेगा, सरकार को भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जिस प्रकार की मांग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कर रहा है, 2 child policy for all, इस विषय पर कहीं ना कहीं आना पड़ेगा, और इस विषय को मत पथ संप्रदाय से बाहर ले जाना पड़ेगा, ये इस समय वर्तमान की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि यदि पूरे विश्व की जनसंख्या की हम बात करते हैं तो विश्व में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद है, और लगभग 9 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम मेरी अथवा मरियम है। यदि इनको भी इकट्ठा किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा 5वां देश यह बन सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत की समस्या तो है ही, साथ में वैश्विक स्तर पर भी समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिए फिर से एक आशा की किरण भारत की भूमि से जगे, और जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बने, इसी कामना के साथ में इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को हम विराम देंगे। अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई धन्यवाद, और सभी का नमस्कार, सभी को धन्यवाद।